आज हम पढ़ेंगे मानसूनी तंत्र और जलवायु। किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा, वहाँ की वायु हवा के जो दशा होती है, जो स्थिति होती है, उसके कुछ समय के सम्मिलित रूप को, उसके कुछ टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, मौसम कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मानसून और जलवायु पढ़ने से पहले हमें मौसम शब्द को, मौसम की परिभाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। मौसम शब्द अरबी भाषा मौसम से बना है और मौसम शब्द का अर्थ होता है पवनों की दिशा का अचानक पलटना। पवन की जो दिशाएं होती हैं उनका अचानक बहुत जल्दी से पलट जाना, चेंज हो जाना। ठीक है, और ये प्रश्न कई बार आया है कि मौसम शब्द कौन सी भाषा से, तो अरबी भाषा मौसम से बना है। मानसून की खोज किसने करी थी, मानसून ये जो है इसकी खोज किसने करी थी, अरबी नाविक हिप्पोलस ने। किन्होंने करी थी, अरबी नाविक हिप्पोलस ने। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल की दशा का कुछ समय का सम्मिलित रूप, वायुमंडल की जो हमारे आसपास का वातावरण है, वायुमंडल है, उसकी दशा का कुछ समय का सम्मिलित रूप तो मौसम कहलाता है, और वायुमंडलीय दशा का कुछ माह का रूप, सम्मिलित रूप ऋतु कहलाता है, और वायुमंडल की दशा का कुछ वर्षों मतलब 30-35 वर्षों का सम्मिलित रूप जलवायु कहलाता है। तो आपको अंतर समझ में आया, मौसम ऋतु और जलवायु में, मौसम वायुमंडल के कुछ समय का सम्मिलित रूप, इकट्ठा रूप मौसम, और कुछ माह कुछ महीने का, 3-4 महीने का, जैसे जून से लेकर सेप्टेम्बर के बीच के में बारिश पड़ती है, फिर सर्दी गर्मी इस तरीके का मौसम होता है। ठीक है, तो कुछ माह का सम्मिलित रूप ऋतु और कुछ वायुमंडल की दशा का कुछ वर्षों का सम्मिलित रूप जलवायु कहलाता है। कुछ लंबे सालों तक का, जैसे 30 सालों तक का जो सम्मिलित रूप है वायुमंडल का, वो जलवायु कहलाता है। अब भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय, और राजस्थान की जलवायु उपोषण उष्ण या शीतोष्ण। ठीक है, उपोषण उष्ण या शीतोष्ण। अब हम नेक्स्ट कल इसके अंदर और पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम अपनी क्लासेस इतने छोटे उसमें ही